सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम गहना योगिनाभिवगम्य। सेवक का जो धर्म है वो धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर एक परिभाषा परिभाषित की। इसी ग्रंथ में सेवक धर्म को लेकर के एक पात्र विशेष कहता है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं, जितने उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। तो दो बातें आ गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। देखिए शब्द प्रयोग किया गया, आगम शास्त्र, निगम वेद, पुराना पुराण, तीनों से प्रश्न किया गया, शास्त्र से, वेद से और पुराण से, इसी धर्म को लेकर के। तो तीनों का उत्तर एक ही था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? तो कहा सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तो तीन बातें हो गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के कि जब ये इतना कठिन है, इतना कठोर है, तो निर्वाहन करने में कितना भारी है? तो शास्त्र ने कहा कि हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। देखिए अर्धाली पढ़ी गई है, यद्यपि यज्ञ मंडप है, महापुरुष लोग हैं, पर सबकी समझ में नहीं आई होगी, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। पहला शब्द है इसमें हर, हर माने भगवान शंकर, और गिरी हर गिरी, गिरी माने पर्वत, तो शब्द क्या बन गया, हर गिरी शंकर पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है, कैलाश पर्वत। और फिर है ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, सेवक धर्म, कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, जो सेवक का धर्म है वो इतना भारी है कि कैलाश पर्वत भी बौना हो जाता है उसके सामने। महर्षि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं समझ पा रहे हैं, और भैया ने बिले बड़े सरल शब्दों में उत्तर कर दिया, नाथ समु धर्मन्य निहारा, हुई है कुएक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किनमोही, क्या क्या है महाराज मेरे लिए, धनुष तोड़ने वाला खड़ा है। लेकिन महात्मा जी भैया किन विचारों की भाषा ही नहीं समझ पाए, क्यों नहीं समझ पाए? उसका एक कारण है व्यास जी, संसार में चार तरह के लोग होते हैं, चार तरह के लोग होते हैं समाज में, कौन कौन, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा चक्षु, चार तरह के लोग होते हैं। विज्ञ कौन है? विज्ञ
एक वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है, तो सभा का समाज का जो विज्ञ व्यक्ति होगा आप केवल इतना बताइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दूसरा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ वो है जिसे कुछ थोड़ा चल करके बताना पड़ेगा तब वो पहुंचेगा। तीसरा है अज्ञ। अज्ञ वो है जिसे गंतव्य के बिल्कुल ठीक निकट पहुंच करके और जब हम लोग उंगली उठा के बताएंगे कि मंजिल देखो तुम्हारी वो है तब वो पहुंचेगा। तो तीन तो इस तरह से पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे किसी को एक स्थान से बता देने से, किसी को थोड़ा चल कर बताने से, किसी को बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बताने पर। लेकिन चौथा, चौथा कौन है? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु माने जिसको हम आप लोग सरल भाषा में अंधा कहते हैं। तो तीन तो इस तरह से पहुंच जाएंगे लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी कठिनाई है। कठिनाई ये है कि जब तक उसकी उंगली पकड़ करके और उसके लक्ष्य तक, उसके गंतव्य तक हम नहीं पहुंचाएंगे वो नहीं पहुंच सकता। अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते तो भैया के कथ को समझ लेते। सीधी सी बात थी, आए सुका कही किन मोही। मोही माने मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? जिस धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हो ये खड़ा है, बताओ क्या आज्ञा है, काहे पूछ रहे हो? मोही कही किन मोही, सीधा खेलता। लेकिन नहीं समझ पाए तो ना तो ये विज्ञ है, ना ये अल्पज्ञ है और ना ये अज्ञ है, तो फिर है का? अब वही बाकी रह गए हैं, प्रज्ञा चक्षु कहाँ हो? देखो आया पूरा, कहाँ हो? और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके हम इनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे संभवतः ये नहीं पहुंच सकते हैं। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। कम से कम प्रसन्न रहो तो प्रसन्न हुई के कहो। हमने कहा महाराज प्रणाम, प्रसन्न रहो बेटे, कुछ बड़ा दबाव है का? देखो कितना बिगड़ा है लड़का, हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। देखो कुछ भाषा कर, जो आशीर्वाद पर छिद्रण वेषण करे इससे ज्यादा बिगड़ा है और क्या हो सकता? अब समझ लो समझदारी के लिए, आशीर्वाद पर छिद्रण वेषण नहीं है, फिर काहे में छिद्रण वेषण? तुम्हारी मुद्रा पे आशीर्वाद के लिए थोड़ा कहा कि आशीर्वाद तुम्हारा खराब है। अच्छा देने वाला खराब है। हमने कहा कि प्रसन्न, जैसे आपने, हमने कहा महाराज प्रणाम प्रसन्न रहो, तो प्रसन्न रहो हमने कहा प्रसन्न रहो, प्रसन्न हुई के कहो, ये अर्थ है कि प्रसन्नता से कहो तो छिद्रान्वेषण नहीं है, छिद्रान्वेषण आशीर्वाद पर है ही नहीं है, तो देने वाले पर है। आपकी मुद्रा आपो पर नहीं है, आपकी मुद्रा पर है, ये अलग है हमसे, है ना? मुद्रा से व्यक्ति एक होता है, मुद्राएं भिन्न भिन्न होती है कालखंड के अनुसार। तो प्रसन्न रहो प्रसन्न हुई कह, चलो खैर ठीक है। एक बात समझ में नहीं आ रही, कौन सी बात? पहली तो बात ये बताओ कुशल मंगल है? फिर बिगड़ेल वाला प्रश्न आया, शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है। अच्छा ये बिगड़ेल, बिगड़ेल शब्द का कुछ ज्यादा जुड़ा है का तुम्हारे साथ? नहीं वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। पप्पू जानते हैं कि बड़े बड़े बिगड़ेल ठीक कर दिए हैं। अरे का चाल कहीं का, दुई बार कहा बड़ा बिगड़ेल है, बड़ा बिगड़ेल है, क्यों भाई? नहीं नहीं बिगड़ेल लो। अच्छा बिगड़ेल जो होता है वो क्या करता है? क्या करता है पूछ रहे हैं, बताओ क्या करता है बिगड़ेल? बिगड़ेल जो होता है तो सब बिगाड़ देता है, या जीवन बिगाड़ लेता है, या लोगों को बिगाड़ देता है, अपना बिगाड़ता है, दूसरे का बिगाड़ता है, सब बिगाड़ता है। ठीक है तो ये काम किसने किया है? किसने किया है जांचो, किसने? तुम जांचो, हमने जांच तो जांचे रहे, हमने जांच लिया और शास्त्र ने जांच लिया। बताओ जरा, शास्त्र ने जिस समय जांचा तो कहा जिस समय परशुराम जी का आगमन हुआ और परशुराम जी का व्यवहार और कृत देखा, लड़ाई शास्त्र की है हमारी तुम्हारी, बताओ। अच्छा आप शब्द प्रयोग करिए और मैं रामचरितमानस से उसका प्रमाण दूंगा। सुर, मुनि, नाग, नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास उर बारी, सोच ही सकल
सकल में कोई बचा नहीं। त्रास, त्रास माने भय। किसके कारण? किसके कारण? यो नहीं मालूम है किसके कारण। हम का जाने किसके? बोले हम का जाने। यो मालूम है कि त्रास माने भय। बोले हम का जाने। अच्छा मतलब का जानो है, त्रास और भारी, साधारण त्रास नहीं है, भारी। भारी माने त्रास और भारी। मन पछताए सीय महतारी कि विधि अब समरी बात। को है बिगड़े सही बताओ ईमानदारी से। देखो होश से बोलना पप्पू तो है। हाँ इसलिए बीच में मगर बोलना तो सही में बोलना, सही बात ना कह दे रहा नहीं, बहुत खराब लगेगा। अभी हम बताएंगे अपने क्रम के बीच में। सही 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 बात कह दे तो खराब लगेगा है। शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र की कहेंगे। अब शास्त्र की ईमानदारी की बात सब लोग कहेंगे। विधि अब समरी बात बिगारी। और चलो जरा भृगुपति। भृगुपति माने अब आप लोग कह दो कि परशुराम तो काओ काओ आप लोगों से लड़ने लगे हैं। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता और अर्ध निमेश कल्प सम बीता। और देखिए शास्त्र ने लिखा सभे बिलो के लोग सब। किसके कारण? परशुराम के कारण। सभे माने सब भयभीत है। बिलो के लोग सब जान जान की भीरू शब्द है भीरू। तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले स्त्री। ये बिगाड़ने वाले और ये बनाने वाले इतना अंतर है। चलिए हमने पूछा था कुशल मंगल है। दो प्रश्न है हमारे, कुशल और मंगल। देखिए जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न किया गया कि कुशलता कहते किसको है? बड़ी संपदा है, बड़ा वैभव बढ़ा, क्या इसको कुशलता कहते हैं? पूछा गया फिर कुशलता कहते किसको है? तो शास्त्र ने कहा कि तबलग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम और जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। मंगल, मंगल बोले मंगल भी वहीं से है। कैसे? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहार। कहां से है मंगल? वहीं से है। तो कुशल भी वहीं से है, मंगल भी वहीं से है। और फिर आया था एक शब्द और, सपने हूं मन विश्राम। तो ये विश्राम कहां से है? तो कहा विश्राम भी राम जी से ही। कैसे? तो कहा सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल माने, देखिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं शास्त्रकार। अखिल 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 माने संपूर्ण। अखिल लोकदायक, संपूर्ण लोकों को दायक माने देने वाले, विश्राम विश्राम संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं राम। एक बात समझ में नहीं आ रही महाराज? कौन सी? बड़ा क्रोध है। क्रोध तो है। चलो कुछ घट गया। देखिए अब अनुकूल होता है तो बढ़ता है, घी डाला जाएगा तो बढ़ेगा। देखिए हमने कहा महाराज बड़ा क्रोध है। बोले हाँ क्रोध तो है। देखिए घटा घटा दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? किसी से बड़ा क्रोध है। हाँ क्रोध तो कुछ हमें लगता है कुछ घट गया, लेकिन क्रोध है। लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण न सकारण, कारण क्या? कारण शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे यही कारण धनुष के। चलो आपकी भाषा ठीक निकली। बिल्कुल बेटे
क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लड़िकाई, बहु धन भी तोरी लड़िकाई, कबहुना सरिस तीन गोसाई, कबहुना सरिस कसरिस असरिस असरिस अ सरिस कबहू न कीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज बहुत नहीं एक टूटा है, क्रोध बहुत है, तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत तो है, यही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना श्रद्धे आदरणी महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? स्तुत वरेण्य, हम जानना चाहते हैं यही धन पर ममता यही हेतु। आओ जरा थोड़ा सा सभी लोग ध्यान करते हैं, लक्ष्मण की प्रथम प्रस्तुति को सभी लोगों ने बड़े उत्साह से सुना, क्योंकि बालक है ना, बालक जब कोई बात रखता है तो बच्चों की बात में उत्साह लोगों का ज्यादा होता है। अब इसने कहा कि बिगड़ैल, हमने कहा कि बिगड़ैल है, तो इसने कहा बिगड़ैल कौन? हम कि परशुराम? और कुछ तथ्य दिए, तो परशुराम की स्थिति अगर बिगड़ैल वाली है, तो जब परशुराम का आगमन हुआ था तब समाज बनी हुई थी क्या? क्यों भाई? जब यहां धनुष टूटा था तो क्या यहां की स्थिति बनी हुई थी कि बिगड़ी हुई थी? खरभर हो रहा था कि शांति थी? यहां की स्थिति में बनावट थी कि गिरावट थी? क्यों भाई? लेकिन उसी समय ते ही अवसर, इसीलिए ते ही अवसर लिखा गया है, शास्त्रकार ने अगर उस अवसर को देखा ना होता तो संभवतः ते ही अवसर न लिखता। युद्ध की स्थिति थी मिथिला में, लेकिन उसी समय ते ही अवसर सुनिशिव धनु भंगा, और आए भृगुकुल कमल, हमारे आते बनी की बिगड़ी। जो राजा लड़ने की बात कर रहे थे वो पितु समेत कही कही निज नामा, और करन लगे सब दंड। भैया ये बनी की बिगड़ी का बतावन, लड़िका का नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मतलब का दिखाई दे रहा है। उसमें भी इसने जो प्रमाण दिए, उसने कहा कि मन पछताय सी महतारी, वो आगे कहा है विधि माने परशुराम, इसीलिए कहा था कि बीच में न बोलना, भला अब बोलना तो सोच समझ के बोलना। जहां बात अगर शब्द की है, लड़ाई अगर शब्द की है, अब परशुराम ने अगर बिगाड़ा है तो कहना चाहिए कि परशुराम ने बात बिगाड़ी। यहां शास्त्र ने भी कहा कि सब ब्रह्मा की इच्छा से हो रहा है, सीता की मां कह रही है कि मन पछताए सी महतारी विधि। जब दोष भगवान को दिया जाए तो निश्चित मान लेना चाहिए कि अपने हृदय में कहीं ना कहीं कमी है, इसको सोचना पड़ेगा। बन जाए तो व्यक्ति कहता है मैंने किया है, और बिगड़ जाए तो दोष फिर भगवान पर लगाता है, यही माया का प्रभाव होता है। और यहां भी दोष परशुराम के ऊपर नहीं, विधि, विधि माने ब्रह्मा। बताओ भैया क्या बिगाड़ने वाले परशुराम? अब अगर हमने तुमको बिगड़ैल कहा है तो देखना जरा, इसको समझना पड़ेगा। आपके घर में कोई दुखद घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, और उसका शव आपके पास पड़ा हो, ध्यान देना बहुत ईमानदारी से, हाँ सही बात, हम सही बोलेंगे, लड़का आए काकरन खोपड़ी खाए है, आओ जरा थोड़ा समझो,
उसकी मृत्यु हो जाए, उसका शव निकट पड़ा हो, उस समय क्या व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए? क्या प्रणाम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चलो अच्छा प्रणाम कर भी लिया, उस व्यक्ति की सज्जनता देखो, उसने कह दिया कि प्रसन्न रहो, तो क्या ये कहना चाहिए कि प्रसन्न थोड़ी ठीक हुई के कहा? क्यों भाई, वो दुखित है, आर्त भाव से आपको आशीर्वाद दे रहा है, और इसके बाद कहो कि प्रसन्न रहो तो ठीक हुई के कहाओ, बताओ ये अच्छा है कि बिगड़ा ना है, तुम्हें गंगा की सौगंध है? सही सही बताओ, जोर से बोलो, लक्ष्मण का दबाव न मानो तुम। हाँ चिंता न करो, बाकी हम तो खड़े तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव है। देखो बीच में बोले तो एक बात है, कोई बात नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुभा। चलिए विचार करिए, जितने लोग बैठे, तो परशुराम की स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, लक्ष्मण तुम्हारा व्यवहार बिगड़ा हुआ है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धर ही। ये अपमान करना अच्छी बात है कि भैया बिगड़ी बात है? बुरी बात है ना। अब लड़िका को समझावे खोपड़ी खाए है। मुनि वचनों को सुन करके ये बालक मुस्कुरा रहा है, अपमान जनित वाक्य बोल रहा है, ममता जैसे शब्द को हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे ऊपर अपमानित वार्ता कर रहा है, इसलिए हमें लगता है कि बनाने और बिगड़ने वाली बात समाज के सामने है, कौन बिगड़ा हुआ है। लक्ष्मण ने बात रखी थी चार तरह के लोग, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ और प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञा चक्षु माने होता है अंधा। बोले विज्ञ नहीं है ये, अल्पज्ञ नहीं है, अज्ञ नहीं है, तो देखो विज्ञ हम बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विप्र शब्द है इसमें दो शब्द हैं, वी और प्रा, और इन दोनों का अर्थ अगर निकाला जाए तो वी से होता है विशेष और प्रा से होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है, और अगर हम विप्र है तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार था, कह रहा है प्रज्ञा चक्षु, अंधरा कहां हो, ले ले लाओ दे दो। चलो अच्छा, अगर हम प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो हम ब्राह्मण हैं बेटे, हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है छोटे कुमार। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के अगर ये भौतिक नेत्र नहीं भी हैं तो भी काम चलेगा, क्योंकि ब्राह्मण के दो नेत्र और हैं, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम परकीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, एक नेत्र का नाम है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण, और अगर ये दोनों नेत्र हैं ब्राह्मण के पास तो हमारे वाक्य को नोट किया जाए, लिखा जाए। हाँ एक ही बात है, ये भाषा भी है, अब सब साहित्य में है, संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी, 14 सूत्रों से सारी भाषा निकली, हिंदी निकली, आंग्ल भाषा निकली, पाश्चात्य अरबी फारसी सब निकली है, तो इसको अंकित किया जाए शुद्ध भाषा में। जितने लोग बैठे हैं तो ये जो श्रुति और पुराण रूपी नेत्र है, इससे ब्राह्मण संसार में क्या हो रहा है ये देख सकता है। तो अगर हम प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो काम देखो, एक प्रज्ञा चक्षु हम बताओ आपको, है ब्राह्मण और तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर है ना, दोनों नहीं है कि है राम भद्राचार्य, क्या बात है, गुरुदेव का नाम याद किया आपने, दोनों नहीं है, लेकिन क्या उन्हें कोई पैना कर दे, विचार करिए, तो वो ब्राह्मण है लेकिन वो संसार में क्या क्या हो रहा है सब कुछ उनको पता रहता है, इसलिए छोटे कुमार संभाल कर बोलिए, हे राजा के छोकरे बोलत तुहिन संहारी, धनुहि शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर जो ये ग्राउंड में राउंड लगा रहा है, बड़ी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं भाई हमारे राज साउंड सर्विस इमलिया, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त किए गए, भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए जरा आप लोग अपने
अपने कान थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ करो। ये तो सब गप शास्त्र सुनाया गया। कौन शास्त्र सुनाया गया? आइए, क्या आपने विधि अब समरी बात बिगारी का अर्थ किया है? क्या टीका किया है? ला तुम अब यज्ञ मंडप है और आचार्य लोग भी बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं। साधारण जगह होती तो तुम अर्थ कर देते तो चल जाते, लेकिन जिस समय ये तुम्हारी टीका लोगों ने, महापुरुषों ने सुनी होगी, तब वो अनुभव कर ले होंगे कि नहीं, परशुराम विद्वान तो वही है कि नहीं है? बड़ा विद्वान कहा मुझे बता, ये ब्रह्मा बिगाड़ दी। ये लोक व्यवहार में कहा जाता है, सख्य पिथिगत कछु जात ना जानी। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो व्यक्ति कहता है किया बेपात्र ने है, ब्रह्मा ने सब हमारा बिगाड़ दिया। ये लोक में कहावत है, पर माध्यम पात्र वो है जिसने कृत किया है। और कई ऐसे है, सख्य विधिगत कछ जात ना विधिगत मति भोरी, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और महाराज दन्नो ला तुम्हार परिक्रमा कर ले रहा हूं, तुम्हार जिस समय हम टीका सुनत क्या आनंद देता है। बोले ब्रह्मा बिगाड़ दी, हमारो वहां का दोष है? माने मारे जई हैं ये कहा है? इनके स्वभाव को सीता डरे, इनके स्वभाव को धनुष तोड़ने वाले के प्रति ये कहे, इनके स्वभाव से सुनैना डरे। और सुनैना कह दे कि क्या बताऊं मैं, सब खेल बढ़िया हो गया था, ब्रह्मा बिगाड़ दी। नहीं तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा बिगाड़ो जाओ, ब्रह्मा के दाढ़ी नोचो जाओ। धन्य भाई, इतना बढ़िया मानसाचार हमें काम मिलेगा, इतना बढ़िया टीका करने वाला व्यक्ति। अब हमें लगता है ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आए। अब हम कह दिन ब्रह्मा की सृष्टि, उसी की तो सृष्टि ही है सर। आओ चलो, खैर ये तो बड़ी हल्की हास परिहास की बातें हैं। आओ, जहां पर आपका चिंतन गया है, आपने एक बात और रखी। आपने कहा कि प्रणाम किया, किसी की मृत्यु हो गई हो क्या भाई? ये देखिए मन मौखिक शब्द आया है इनका, किसी का सौ पड़ा हो, मृत्यु हो गई हो और कोई प्रणाम करे। आपको ये सौ दिखाई दे रहा है, आपको ये हत्या दिखाई दे रही है, आपको ये मृत्यु दिखाई दे रही है, ईमानदारी से बताओ जरा, अगर किसी की मृत्यु हो गई होगी तो क्या व्यास, अगर मृत्यु किसी की हो गई हो तो शंख सहनाई भेर धोर दुंदभी बजाई, क्या ये बजाया जाता है? क्या इसका वादन होता है? अगर ये सौ है और अकेले मैं नहीं, त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, जिस समय धनुष टूटा तो अगर ये हत्या थी, ये सौ था, ये मृत्यु थी, तो मही महिमाने धरती पाताल पाताल नाक स्वर्ग तीनों लोक हम शास्त्र की सुनाएंगे, जबरदस्ती की नहीं है कि हत्या हुई गई हो, बांध मर गया हो। मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरीस ये भंजेऊ चापा। के भाई ईमानदारी से बताओ, मृत्यु हो गई हो तो क्या वेद ध्वनि की जाएगी, स्तवन किया जाएगा? अगर ये मृत्यु है धनुष का टूटना, तो प्रसन्नता में हम नहीं, विप्र की बात करते, विप्र मंडली का संभालो पहले। ये विप्र मंडली क्या कर रही है? क्या विप्र जानकार नहीं है क्या? धनुष टूटा तो जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कर ही, अब बंदी वृंदावनी उच्च रही। वृंदावनी किसको कहते हैं? वो सुनाओ जो सही हो, वो जो काल्पनिक और वो है वो सब छोड़ो। बंदी वृंदावनी उच्च रही और जहां तहां विप्रभेद ध्वनि करही। आपको सौ, आपको मृत्यु दिखाई दे रही है। अच्छा बताओ, आपने कहा कि किसी के बांधो की मृत्यु हो गई हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हो, ये ध्यान करना जरा।
पप्पू बताओ प्रणाम कहां कहां नहीं करना चाहिए। शास्त्र प्रणाम कहां कहां नहीं करना चाहिए, किस स्थान पर नहीं करना चाहिए, कौन कौन स्थान है। तो कहा जपंतम, अगर व्यक्ति जप कर रहा हो तो जप करते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम शास्त्र बताएंगे, हम तुम्हार वाला नहीं है हमारे पास। जपंतम जल मध्यस्थम, जप कर रहा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, जल के बीच में हो व्यक्ति तो प्रणाम नहीं करना। जपंतम जल मध्यस्थम दूर स्थितम, बहुत दूर हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। गर्वितम अहंकार में चूर हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ध्यान करना। अश्वारूढ़म, अश्व माने घोड़ा, उस पर कोई बैठा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। और आदनांतनम, जिसको हम जानते नहीं है उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है खत विप्राण बंधते, ये छह प्रकार के ब्राह्मण हैं भी तो इनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप जबरदस्ती लगाए कि मौत हुई गई है, अरे भाई बताओ जरा, अगर ये मृत्यु हो गई होती, अगर ये सौ पड़ा होता, अगर इससे लिया जाता तो क्या भाई, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आदमी शोकाकुल होता है कि प्रसन्न होता है, शोकाकुल होता ना। और यहां त्रैलोक प्रसन्न है, ईमानदारी से बताओ। हम जबरदस्ती आपका ये जबरदस्ती वाला है और ये धनुष टूटा तो त्रैलोक प्रसन्न है। और देखो जरा, अगर ये सौ पड़ा होता तो सूर्य किन्नर नर नाग मुनीषा और जय 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 कही दे ही आशीषा। ये ना कहा नरी कहा है उत्साह, यो यह कहा तो काम चली तुम्हारा, नहीं करी होगा है? करोगे क्या? सोचो जरा, शास्त्र ये कहता है। और परशुराम कह रहे हैं कि वो सौ या कौनों के बांधो के मृत्यु हुई गई हो, कहां लिखा है बताओ जरा हमें है? अगर किसी के बांधो की मृत्यु हो गई होगी तो क्या त्रैलोक प्रसन्न होगा? अरे कहीं ना कहीं भाई बताओ जरा, इसको जो आप जोड़ रहे हो ये जबरदस्ती का है, ये जुड़ने वाला नहीं है। ए, कितने प्रमाण दे हम शास्त्र के आपको, और शास्त्र के बतावेंगे धनुष टूटा, अगर ये टूटा ये सौ होता, ये मृत्यु होती, ये हत्या होती तो ईमानदारी से बताओ, यहां करही आरती पुर नर नारी और देह निछावर वित्त। कह भैया किसी की हत्या कर दी गई हो, ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, आरती करियो तुम लोग जो हत्या की हो, का निछावर करी हो, क्या जबरदस्ती, यही परंपरा चल रही है। धनुष तोड़ने वाली त्रैलोक। और देखो जरा, फिर एक मैं प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र का, केवल मिथिला की बात नहीं कर रहा, अगर मिथिला के लोग आरती केवल उतार रहे होते, मिथिला के लोग धनुष तोड़ने वाली की प्रशस्ति कर रहे होते तो चलो एक बार हम तुम्हारी बात मान लेते कि भाई राजा जनक के पुरवासी है और राजा जनक का काम बन रहा है तो इसलिए आरती उतार रहे हैं। त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, प्रमाण प्रमाण दे रहा हूं। भरी भुवन घोर, भुवन ये शास्त्र है, तो शास्त्र कह रहा है भरी भुवन घोर कठोर रब रबी बाजे तजी मारगे चले चिकराही दिग्गज डोल मही आही।
कोले कूरम कले मले सुरे असुरे मुनि कर कान दीन है सकल सकल माने सब की कोई बाकी रहा सकल